फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं टोयोटा ने अपनी एक नई गाड़ी रूमियन को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो रूमियन गाड़ी है वो लास्ट मंथ से आपने टीवी एड पे देखी होगी, तो काफ़ी अच्छे रिव्यू के साथ मार्केट में आपको रूमियन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज उसी गाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले आप बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर में और उसके बाद बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर में, और आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी और लास्ट में आपको बताया जाएगा गाड़ी का प्राइस क्या है। पहले आप दोस्तों देख सकते हैं जो रूमियन गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो आप देख सकते हैं टोयोटा की, जो आप क्रोम बैजिंग के साथ आप देखेंगे कि जो चारों तरफ आपको क्रोम का वर्क आपको यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलेगा टोयोटा रूमियन के अंदर। और बात करते हैं हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, बट वो हेलोजन हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही अगर बात करते हैं फोग लैम्प की, तो फोग लैम्प भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलोजन रहने वाले हैं, इसमें भी आपको एलईडी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनोवा गाड़ी से कंपेयर किया गया है। जैसे कि आप देखो पता है कि जो इनोवा हाईक्रॉस गाड़ी है जो फ्रंट लुक है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाले दोस्तों, इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो टोयोटा की छोटी इनोवा जिस गाड़ी को बोलते हैं तो वो है टोयोटा रूमियन। तो आपने फ्रंट लुक अभी देख लिया है। और बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं दोस्तों अलॉय व्हील जो देखने को मिलेगा वो 15 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। जो ये अवेलेबल मॉडल है वो भी ऑटोमेटिक मॉडल है, जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 15 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलता है। और वहीं अगर बात करते हैं लोवेस्ट पेडल की, तो उसमें आपको 15 इंच का स्टील रिम देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छे टायर साइज आपको देख सकते हैं, ब्रिजस्टोन के आपको यहाँ पे टायर देखने मिल रहे हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे जो ओ आर वी एम है उसके ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। और साइड प्रोफाइल से अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको डोर क्रोम हैंडल मिल जाएगा। और गाड़ी की हाइट की अगर बात करते हैं तो 1690 आपको यहाँ पे गाड़ी की हाइट देखने को मिलेगी। और ओवरऑल लेंथ की अगर बात करते हैं तो 2420 mm आपको यहाँ पे गाड़ी की लेंथ देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आप देखेंगे दोस्तों जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अप्रोक्सीमेट 185 mm आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और गाड़ी की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 1735 आपको यहाँ पे गाड़ी की चौड़ाई देखने को मिलेगी। और वहीं अगर टर्निंग रेडियस की बात करते हैं तो वो आपको 5.2 mm का जो आपको टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर में मैंने आपको सारा कवर कर दिया है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रियर में आपको क्या मिलता है। और आप देख सकते हैं जो रियर प्रोफाइल है उसमें आप टेल लाइट जो देखेंगे वो काफ़ी एक अच्छे यूनिक स्टाइल में काफ़ी बड़ी टेल लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे जो रियर टेलगेट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आप देख सकते हैं रियर डिफोगर, रियर वाशर और रियर वाइपर आपको देखने को मिल जाएगा। और शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है टोयोटा रूमियन के अंदर। और साथ ही आपको दोस्तों बताना चाहूँगा जो रियर पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, रियर पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा जो गाड़ी रूमियन है टोयोटा रूमियन उसके अंदर आपको 5 कलर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी के साथ ब्राउन कलर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर है वो भी आपको मिल सकता है, ग्रे और एक आप देख सकते हैं सिल्वर कलर। ये 5 कलर आपको टोयोटा रूमियन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर में आपको क्या क्या एडिशनल मिलता है तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं टीक वुडन की आपको यहाँ पे वुडन पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे यूनिक स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप देखेंगे जो सीट कवर है वो भी आपको यहाँ पे डुअल साइड में देखने को मिलेंगे, जो 10 इंटीरियर प्लस ब्राउन कलर का आपको सीट कलर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आप देखेंगे जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा 2 ट्विटर भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप दोस्तों देख सकते हैं जो ऑटो एसी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हाँ, सबसे बड़ा फंक्शन जो है आपने देखा होगा कि जो कि मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कप होल्डर है
कप होल्डर के अंदर ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं एसी वेंट का सुविधा यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो गाड़ी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है या फिर जो भी आइटम आप रख सकते हैं वो आपको चिल्ड रखेगा। और देख सकते हैं जो स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल है वो भी आप देख सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप राइट साइड में देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देख मिल जाएगा। और साथ को दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग मिलने वाला है और एमआईडी कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और पैडल शिफ्टिंग है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर जो है। और आप देख सकते हैं जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और वेरिएंट जो आप देख सकते हैं जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये वी ऑटो है, तो इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टिंग भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही आप दोस्तों देख सकते हैं जो एसी वेंट है वो एक यूनिक स्टाइल में आप देख सकते हैं एक, और साथ ही आप देखेंगे जो ग्लो बॉक्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम रियर सीट पे आ चुके हैं, रियर सीट पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी का स्पेस है वो काफी, इतना स्पेस मैंने किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं देखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं तीन बंदे बिल्कुल कंफर्टेबल यहाँ पे बैठ सकते हैं। और रियर सीट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रूफ के अंदर एसी वेंट है, चार एसी वेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ा फंक्शन इसके अंदर आया है जो स्मार्ट प्ले कास्ट का ऑप्शन आया है, जिसमें आप एक फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करके म्यूजिक सिस्टम को एज एक रिमोट आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं रियर सीट पर बैठ के। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर टोयोटा रोमियन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी में सेफ्टी के अकॉर्डिंग, तो सेफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ABS CVT ब्रेकिंग देखने को मिलेगी आपको। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा जो टॉप मॉडल है उसके अंदर चार एयरबैग देखने को मिलेंगे। अगर बेस मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ आपको दो एयरबैग देखने को मिलेंगे। तो ये तो था दोस्तों टोयोटा रोमियन का रियर सीट। और अब चलते हैं थर्ड रो में, तो दिखाते हैं आपको थर्ड रो में कितना स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रियर सीट पे भी काफ़ी अच्छा हेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इस सेगमेंट की MPV अगर किसी की भी बात करते हैं, इनोवा की अगर बात करते हैं, फॉर्चूनर की अगर बात करते हैं, तो इतना हेडरूम आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं लेगरूम की, तो लेगरूम आप देख सकते हैं काफ़ी लेगरूम अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वो देख सकते हैं आप ओवरऑल अगर आप गाड़ी का स्पेस की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं चारों तरफ आपको स्पेस ही स्पेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा टोयोटा रोमियन के अंदर आप देख सकते हैं 1.5 लीटर का इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि के सीरीज इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। के सीरीज इन द सेंस आप नियो ड्राइव भी आप इस इंजन को बोल सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं CC के अंदर, तो 1462 CC का आपको यहाँ पे टोयोटा रोमियन का इंजन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं वेरिएंट की, तो वेरिएंट आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसके अंदर तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जो बेस मॉडल है वो S वेरिएंट है, इसके अंदर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक एंड CNG का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और जो सेकंड बेस मॉडल है उसके अंदर आपको G मॉडल है, G मॉडल अंदर आपको ओनली मैनुअल ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिक या CNG का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो टॉप मॉडल है जैसे कि आप देख सकते हैं V ऑटोमेटिक, तो V मॉडल के अंदर आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट। और इसके बाद दोस्तों टॉप मॉडल जो है आपने देख लिया V ऑटोमेटिक जो है, V मॉडल के अंदर आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ऑप्शन देखने को मिलेगा, CNG का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की माइलेज की, तो माइलेज में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जो बेस मॉडल है उसकी माइलेज जो आप देख सकते हैं मैनुअल के अंदर 20.51 की आपको देखने को मिलेगी माइलेज, और ऑटोमेटिक की अगर बात करते हैं तो 20.11 आपको देखने को मिलेगी माइलेज। और CNG वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो CNG में आपको यहाँ पे 26.11 की माइलेज देखने को मिलेगी, जो कि इस सेगमेंट की 7 सीटर गाड़ी में किसी भी गाड़ी के अंदर इतनी माइलेज देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और जो सबसे बड़ी आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो पॉइंट है अपना है वो है गाड़ी को प्राइस के लेके, तो दोस्तों बताना चाहूँगा जो गाड़ी का जो प्राइस रहने वाला है जो S मैनुअल गाड़ी है उसका आप देख सकते हैं 10,29,000 रुपये से शोरूम स्टार्ट रहने वाला है दोस्तों। और अगर इसी में आप अगर S मॉडल में ऑटोमेटिक परचेज करते हैं तो उसका 11,79,000 रुपये एक शोरूम रहने वाला है दोस्तों। अगर S मॉडल में आप CNG मॉडल लेते हैं तो उस मॉडल का 11,24,000 रुपये आपको एक शोरूम प्राइस यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। और बात करते हैं G मॉडल की, तो G मॉडल यहाँ पे आपको 11,45,000 रुपये से एक शोरूम स्टार्ट रहेगा। और V मॉडल में अगर मैनुअल की बात करते हैं तो 12,18,000 रुपये एक शोरूम रहेगा, और वहीं अगर ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो 13,68,000 रुपये से टोयोटा रोमियन V ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरऑल रोमियन गाड़ी ने काफ़ी अच्छा रिव्यू मार्केट के अंदर बनाया हुआ है। और बात करते हैं गाड़ी के कंपटीशन की, तो कंपटीशन में आप देख सकते हैं जैसे कि टोयोटा की मारुति सुजुकी की जो अल्टिका गाड़ी आती है
कहीं ना कहीं अल्टिका को कम्पीट करेगी गाड़ी। उसके काफ़ी सारे रीज़न है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। जो अल्टिका से अगर आप कंपेयर करते हैं तो थोड़ा मोटा अमाउंट आपको एक्स्ट्रा जरूर पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में टोयोटा आपको अच्छी खासी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं गाड़ी की वारंटी से, तो वारंटी आप देख सकते हैं जो अल्टिका वारंटी देती है वो 2 साल और 40,000 किलोमीटर की तक देती है। वहीं अगर आप टोयोटा रोमियन की बात करते हैं तो उसी सेम गाड़ी की आप देख सकते हैं 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर के साथ आपको यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाएगी। और बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस फैसिलिटी की, तो इंश्योरेंस टोयोटा का जो इंश्योरेंस रहता है वो 10 साल तक आप 0 DAP इसको करवा सकते हैं। और मारुति में ये सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मारुति में आप मैक्सिमम 7 ईयर तक 0 DAP करवा सकते हैं। और इसी के साथ छोटे छोटे कई पॉइंट है, जैसे कि RSA सर्विस है, तो जो टोयोटा की RSA सर्विस है वो 5 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। वहीं अगर मारुति में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेबल रहता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं EM60 है, एक्सप्रेस मेंटेनेंस जो है, क्योंकि हर कस्टमर के पास टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है, तो उसी के लिए टोयोटा ने EM60 एक एक्सप्रेस मेंटेनेंस है, जिसमें आपको सर्विस में आने से पहले सिंपल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपकी गाड़ी 60 मिनट में आपको सर्विस होकर मिल जाती है। यहाँ मारुति में ऐसी कोई सुविधा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये तो था टोयोटा रोमियन का ओवरऑल व्यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।